हाँ बताइए, मैनिला के बारे में बताइए, मैनिला कैसा है? मैनिला बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं मैनिला में एक हफ्ता रहा। हाँ? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक हफ्ता कब बीत गया हमारा। अच्छा, और हम परसों दिल्ली आ रहे हैं। हाँ? और मैं सारी बातें बताऊंगा वो अपने दोस्तों को। अच्छा, स्कूल फ्रेंड्स को। तो मैनिला में आपको मैनिला अच्छा लगा, दिल्ली अच्छा लगा? मैनिला अच्छा लगा हमें। क्यों? क्योंकि मैनिला में ताजी हवा है। हाँ? और हरियाली भी बहुत है मैनिला में, उतनी दिल्ली में नहीं है। हाँ? दिल्ली में देखोगे तो नालियों में कचरा फैला है। अच्छा, कचरा फैल का? हाँ, प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण। उतना गांव में नहीं है, पर हाँ गांव की बस एक बुरी बात है कि गांव में कोई भी सरकार रोड बनाना नहीं चाहती, इसीलिए ना कि कोई रोजगार देता है, इसीलिए सारे गाँववासी दिल्ली कोई और बहुत जाते हैं, और जो गाँव से पढ़े लिखे होते हैं वो भी दिल्ली चले जाते हैं और अपने गाँव आते ही नहीं, इसीलिए लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। अगर उन्हें सरकार रोजगार दी तो फिर वो वापस आ सकते हैं। तो आप फिर गाँव आओगे मेरे साथ? हाँ। तो आप गाँव मैनिला गाँव आते रहोगे? हाँ। तो गाँव में कौन कौन से हैं आपके गाँव में? हमारे गाँव में? हाँ, एक उत्तराखंड के स्टेट में मैनिला। हाँ, धोटियाल। हाँ, और चिमकॉर्बेट पार्क भी है मैनिला उसके अंदर। हाँ, और मैनिला देवी का मंदिर। हाँ, गजरिया मंदिर। हाँ, बस। और गांव में आपके गांव में कौन कौन रहते हैं? हमारे गांव में? हाँ, भैंसी खेत में। भैंसी खेत में? हाँ, एक अम्मा रहती है। हाँ, नहीं दो अम्मा रहती है। हाँ, और एक कुत्ता। हाँ, हाँ तो एक कुत्ता रहता है, घर की चौकीदारी करता है। हाँ। और गांव में आपको अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का दिल्ली का तो स्वाद आता है, पर यहाँ का जो दूध होता है। हाँ, उस वो देसी दूध होता है, इतना मस्त दूध कि कोई भी बता नहीं सकता। हाँ, तो गांव में जब भी मैं आऊँगा मेरे साथ आता रहूँगा गाँव में। हाँ, सेब के बगीचे देखने के लिए। हाँ, हम तो सेब के बगीचे भी लगाएंगे। तो सेब के बगीचे किसने गांव में किसने लगा रखे हैं? सेब के बगीचे? हाँ, मैंने और आपने। किसने? पिताजी ने। हाँ, उनका नाम क्या है? हरक सिंह नेगी। अच्छा, और उनको भी उनके साथ तुम गांव आओगे? हाँ। मैं कितने बार आओगे? जितनी बार आ सकूंगा। और आपको गाँव अच्छा लगता है, दिल्ली लगता है? मुझे तो गाँव ही अच्छा लगता है। गांव में रोजगार ना होने के कारण, क्यों तो अगर आप सर्विस करोगे तो गांव के लिए कुछ करोगे? हाँ, गांव के लिए विकास। मैं गांव के लिए। हाँ, नई सड़क बनाऊंगा, रोजगार लाऊंगा। हाँ, विकास करोगे? हाँ। और यहाँ हॉस्पिटल के काम करोगे? हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा था। हाँ, पर दोस्तों हम अभी हम 3-4 किलोमीटर दूर है अपने खाल से। वहाँ पे अगर मैं होता तो मैं आपको एक हॉस्पिटल दिखाता, वो बंद है पर उस वो बेकार में बना दिया, क्योंकि उसमें तो रोजगार है ही नहीं। अगर उसमें डॉक्टर वॉक्टर नर्स होती तो फिर वो हॉस्पिटल खूब चढ़ता। तो आप गांव का बड़ा होगा, गांव के लिए क्या करोगे? मैं एक नया हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक नई सड़क बनवा दूंगा। और गांव के लिए बागवानी के लिए क्या करोगे? पेड़ों के लिए? हाँ, मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा। किस चीज के पेड़? मैं सेब के लगाऊंगा, अनार। मैं सेब के लगाऊंगा, अनार के लगाऊंगा, पोलम के लगाऊंगा, संतरे के लगाऊंगा, हर चीज के पेड़ लगाऊंगा मैं, ताकि रोजगार जनरेट होगा। हाँ, और लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। हाँ, तो आप कितने दिन की छुट्टी बीत चुकी है हमारी? हाँ, कितने दिन की? 7 तारीख को आया था ना, 6 दिन की छुट्टी बीत चुकी है हम भी। तो आप दिल्ली को जाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है? ना। क्यों? गांव में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? शुद्ध हवा। हाँ। पानी। हाँ। शांति। हाँ। और गांव का मौसम। हाँ। कहाँ 48 का टेम्परेचर, कहाँ 20 का। हाँ। तो आप मैनिला के देवी के बारे में क्या करना चाहते हो, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैनिला सबसे अच्छा जगह है इन इंडिया, इस देश में। अच्छा, उत्तराखंड में। हाँ। तो अब पढ़ लिख के यहाँ आओगे? हाँ। गांव में लोगों को मोटिवेट कराओगे? हाँ।
किस बारे में? मैं कराऊंगा कि पेड़ लगाया करो, पेड़। अच्छा, उससे जो पेड़ों की जनसंख्या बढ़ेगी। हाँ, यहाँ इस देश में पेड़ कम होते जा रहे हैं। अच्छा, पेड़ लगाओ। हाँ, तो ये राहुल देगा इंटरव्यू तुम्हारा भाई? देगा है? वो नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसका मन नहीं करता। मन नहीं करता है? लेकिन गाँव में तो हर बार भाग आ जाता है। हाँ, उसका तब खेलने का मन करता है। अच्छा, खेलने के चक्कर में आता है दिल्ली से गाँव? हाँ, वैसे कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी ना, कोई दिलचस्पी नहीं, बस उसे खेलने की दिलचस्पी है। गाँव में और क्या करता हो? गाँव में हाँ दिन भर खेलते रहता है। अच्छा। और उसे हाँ उसकी सबसे बड़ी हॉबी है कि भागना। भागना? तो आप कहाँ दिल्ली में कहाँ पढ़ते हो? मैं दिल्ली में KVS फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय ज्ञान विहार NFC दिल्ली में। दिल्ली में? तो अगर आपका मौका मिलेगा तो गांव आओगे भी दोबारा? हाँ। अच्छा, गांव का आपको कैसा लगा? मुझे सबसे पहले तो गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा, और दूसरे नंबर पे यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे सुख शांति है। दिल्ली से, दिल्ली में तो पू पू हॉर्न बजते रहता है। अच्छा, तो आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे? नहीं हैं? नहीं, हम यही पेड़ उगाएंगे। ये पेड़ उगाएंगे? हाँ। पक्का कमिटमेंट? पक्का। आप मेरा हेल्प करोगे? हाँ। हम इस मानना को पेड़ लगा के मानना में बादाम काजू कीवी इत्यादि के पेड़ लगा के और मानना के नाम को मानचित्र में रोशन करेंगे। हम उसे अच्छी सी देवभूमि बनाएंगे, उसे अच्छी देवभूमि बनाएंगे ताकि लोग यहाँ देखने आएगा और पूजन के हिसाब से आएगा। तो आप मेरे साथ जब भी मैं कहाँ आऊँगा तब मेरे साथ आओगे? हाँ। मैं हेल्प करोगे? हाँ। अभी मैं कितने पेड़ लगा रहा हूँ मैं सेब के? आपने? हाँ, आपने लगाए हैं करीब 80 पेड़। 80 पेड़ सेब के लगा रखे हैं। और अनार के? अनार के चीकू आपने अनार के लगाए हैं 10 पेड़। हाँ। चीकू के आपने 5 पेड़ और बैगन के आपने 10। संतरा? हाँ, संतरे के आपके साथ। हाँ, तो आपका मानले में कैसा अनुभव है मानले में? मुझे मानीला बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि मैंने भी मानला से इंटर कॉलेज से 93 में इंटर किया, उसके अवसान में दिल्ली चले गया। जैसे आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ। लेकिन मेरा मन दिल्ली नहीं लगता, जब भी आता हूँ मेरा मन इन हसीन वादियों में भटकता रहता है। और भले ही मैं वहाँ सर्विस करता हूँ और मेरे दिल में कुछ ना कुछ होता था कि गांव को कुछ ना कुछ किया जाए, पेड़ लगाया जाए। और तो आप भी पेड़ लगाओगे? हाँ। पढ़ स्कूल के पढ़ लिख के? हाँ। तो आप मेरे साथ मानना का वातावरण कैसा लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा वातावरण लगा। हाँ। जहाँ पे भी मैं घूमने गया हूँ सबसे अच्छा वातावरण मानीला में है। जैसे कि मैं घूमने गया था। हाँ। वो गंगटोक? हाँ, गंगटोक, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग शिमला। हाँ। और नैनीताल। हाँ। इन सब में से बस उत्तराखंड और नैनीताल ही है। हाँ। इन सब हाँ।